अविनाश सर, अब आपकी तरफ से अगला शेयर कौन सा है? नहीं मनीष, देखिए अगला शेयर जो सेक्टर से है वो रेलवे इन्फ्रा थीम से है। देखिए रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लगता है कि आने वाले बजट में बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे। ऑलरेडी रेलवे मिनिस्ट्री से यहाँ की रिपोर्ट्स आ रही है कि करीबन 2-2.5 लाख करोड़ का बजट रेलवे रोलिंग स्टॉक के ऊपर, रेलवे वैगन के ऊपर और प्लस रेलवे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खर्चा किया जाएगा। हालांकि ये अगले 3-4 साल का बजट है, लेकिन हमारा मानना है कि वैगन कंपनीज में टेक्समैको रेल हमको काफी पसंद है। देखिए इस कंपनी की ऑर्डर बुक करीबन 3,000 करोड़ के ऊपर है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक QIP किया था 138 रुपए में, 750 करोड़ इन्होंने रेज किए हैं। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि वैगन के कंपनीज में गिने चुने प्लेयर्स हैं, जैसे कि BML हो गया, जुपिटर वैगन हो गया, टिटागर वैगन और टेक्समैको रेल। तो सप्लाई साइड में अभी बहुत बड़ी गैप है और डिमांड काफी जोरों से बढ़ रही है। रेलवेज ने कहा है कि वो अपना फ्रेट का जो शेयर है वो रोड ट्रांसपोर्ट से ज्यादा करने की अपेक्षा रखते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो इनपुट है वो वैगन्स का है, जो अभी भी कंट्री में सिलेक्ट कंपनीज ही बना रही है। तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल की बात करें तो रेवेन्यू विजिबिलिटी तो ऑलरेडी पक्की है और थोड़े ऑर्डर्स आने की अपेक्षा रहेगी आने वाले साल में। तो यहां से मुझे लगता है कि अगर कोई खरीदता है तो करीबन 235 240 का एक टारगेट प्राइस आपको कंफर्टेबली मिलना चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले साल में और एक 20-25 हजार वैगन्स का एक टेंडर आने वाला है। वहां पे भी टेक्समैको को शेयर बढ़ाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे भी अगर आप खरीदते हैं तो अच्छा खासा पैसा बनेगा, अराउंड 235-240 अगले 12 महीने का टारगेट प्राइस। टैक्स में खरीदारी करने के सलाह 180 रुपये के लक्ष्य के साथ समान